हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है उड़द दाल की रेसिपी, जिसे आप चावल के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हो। कई जगह इसे जो है धुले माँ भी बोला जाता है। ये काली दाल जो होती है, माँ की दाल, उसी का वर्जन होता है। तो और बनाना बहुत ईजी, अगर कोई गेस्ट आ जाए तो बहुत जल्दी जो है ये बन के तैयार हो जाती है। तो जैसे कि त्योहारों का सीजन है, चटपटा खा के बोर हो गए हो, तो आप इस दाल को जरूर ट्राई करें। तो इसे हम कुकर में बनाएंगे। कुकर ले लेंगे और यहाँ पे मैंने जो है उड़द दाल ले ली। आप देख सकते हो ये इस टाइप की दाल होती है, व्हाइट कलर की। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की कटोरी ली है। कटोरी से माप करके मैं जो है इसका यूज करूंगी, एक कटोरी, और थोड़ी सी और ली है। और इसे हम अच्छे से पहले धो लेंगे साफ पानी से 4 से 5 बार, ताकि इसका जो गंदगी है, स्टार्च है, वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है दाल को अच्छे से धो लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। पानी भी मैं इसी कटोरी से मेजरमेंट करके डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी और थोड़ा सा जो है दाल लिया था, तो यहाँ पे पानी मैं डालूंगी 5 कटोरी के करीब। या फिर आप अपनी जो है उंगलियों से भी इसे माप सकते हो, जो कि एक घरेलू टिप है। जो लेडीज जो है घर में खाना बनाती है तो इसी का ज्यादातर यूज करती है। आप देख सकते हो कि तीसरा जो मैं आपको लाइन दिखा रही हूँ, वहां तक आप पानी डाल सकते हो। अगर आपको कटोरी से माप कर नहीं डालना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया। तो इसमें आपको चीजें जाएंगी। एक छोटा चम्मच नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डालेंगे हम टमाटर। यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच टमाटर के डाले हैं कद्दूकस करके, और इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हल्दी, नमक, टमाटर अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ऑयल या फिर घी। इससे दाल जब कुकर में विसिल आती है, स्टीम आती है, तो दाल जो है बाहर नहीं निकलती। तो ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे रखेंगे हम गैस पे, और जब इसमें एक विसिल आ जाए तो उसके बाद इसको हम जो है मीडियम कर देंगे और 2 विसिल आने तक और पकाएंगे। तो यहाँ पे 2 विसिल आ चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। दाल को जो है हम ठंडा होने देंगे, और दूसरी तरफ हम जो है तड़के की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मीडियम साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां। इसे हम बारीक बारीक जो है काट लेंगे इन सारी चीजों को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है इसे काट लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो दूसरी तरफ मैं कुकर का ढक्कन मैंने निकाल दिया है। दाल जो है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हो। अभी हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। अगर आपको लगता है पानी थोड़ा कम है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए, जितनी जो है आपको कंसिस्टेंसी दाल की चाहिए, पतली गाढ़ी, उसके हिसाब से। तो दूसरी तरफ मैंने पैन जो है रख दिया है, तड़का पैन, और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच घी के। देसी घी का यूज कर रही हूं, आप चाहो तो ऑयल का यूज कर सकते हो। इसे मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे। घी गरम हो चुका है, मेल्ट हो चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच जीरा, साबुत जीरा डाला मैंने, और साथ ही इसमें जाएगा हरी मिर्च, लहसुन जो बारीक काट के रखा था, और अदरक। इसे 30 से 40 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे हम जो है फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि कच्चा ना रहे, और लगातार चलाते रहेंगे। 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं, तो अभी इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को जो है हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, फ्राई करना है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी हींग, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसे भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो प्याज हमारा बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच, यानी 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, पहले भी डाल चुकी हूँ, तो आधा ही डाला है मैंने चम्मच छोटा। तो इसे इसमें अच्छे से चला लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए, 10 से 15, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए।
10 से 15 सेकंड हो चुके हैं, तो अभी इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। ये कलर वाली है, कलर भी देता है और थोड़ा सा तीखापन भी देता है, तो इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5-10 सेकंड के लिए। तो आप देख सकते हो हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है और कुछ भी इसमें डालने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने दाल को जो है पका लिया है और बहुत अच्छे से पकी है, तो इस तड़के को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे हम। और थोड़ा सा जो है पैन में जो तड़का लगा है उसमें थोड़ा सा दाल डाल देंगे ताकि ये सारा तड़का जो है हम यूज कर सके, वेस्ट ना जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारा जो है मसाला इसमें डाल लिया है, तड़का जो तैयार किया था डाल दिया है, और इसको हमें 3 से 4 मिनट के लिए उबाल आने तक अच्छे से दोबारा दाल को हम पका लेंगे ताकि जो मसाला वगैरह हमने इसमें ऐड किया है दाल में अच्छे से फ्लेवर इसका आ जाए। आप देख सकते हो दाल अच्छे से उबल रही है, 3 से 4 मिनट जो है लगभग हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को जो है लो कर दिया है और अभी इसमें डालूंगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। आप चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो, मैं गरम मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो लहसुन अदरक हरी मिर्च डाला उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गाइस। अगर आप इस तरह से दाल बनाओगे बहुत ही टेस्टी बनती है, आप जरूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और फीडबैक जरूर दें। तो देखिए हमारी जो दाल है बनके तैयार है और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रोटी के साथ या फिर चावल के साथ या फिर जीरा राइस, कोई भी ओकेजन होता है आप इस दाल को जरूर ट्राई करें। क्योंकि क्या होता है त्योहारों के टाइम बहुत ही ज्यादा ऑयली खा के हम बोर हो जाते हैं, तो इस तरह की दाल अगर आप बनाते हो तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बनने में बहुत ईजी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।